सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए जथेदारों भाई ध्यान सिंह मन, बाबा बलजीत सिंह दादवाल और भाई अमरीक सिंह ने पांच सिंह साहबानों की बैठक के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले जनरल केएस बराड़ और पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को पद से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को बरगाड़ी कांड और अन्य घटनाओं की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक और महीने की मोहलत दी है। इस दौरान बरगाड़ी कांड की जांच के लिए लगाए गए जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को भी जथेदारों ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जांच के बाद सिर्फ मुआवजा दिया जाना ही काफी नहीं है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, उनके नाम जज जाहिर करके उनके खिलाफ क्या सजा सुनाई जाए ये भी जरूरी है। आज सिंह साहिबाना दी श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते दो मुद्दे नूं लै के विचार वटांदरा होया और एक जिहड़ा पहला मुद्दा है उहदे संबंध च असीं हुक्मनामा जारी किया है। वह हुक्मनामा मैं आप जी नूं पढ़ के सुना रहा कि अज श्री अकाल तख्त साहब श्री साहब श्री अमृतसर साहब सिंह साहिबाना की विशेष कतरता हुई जिस विच कुछ अहम पंथक मसलियां नूं विचारिया गया। मुख तौर पर जून 1984 विच श्री अकाल तख्त साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे हमले समय भारतीय फौज की कमांड करन वाले कुलदीप सिंह बराड़ दा अते केपीएस गिल दा मुद्दा विचारिया गया। कुलदीप सिंह बराड़ नूं सिखां दी सुप्रीम ताकत प्रभु सत्ता दे केंद्र श्री अकाल तख्त साहब अते सारी मनुखता दी आस्था दे केंद्र सचखंड श्री हरिमंदर साहब उपर फौजी हमले की अगवाई करके इन्हां पावन स्थानां नूं तोपां टैंकां दे गोलियां दे नाल ढह ढेरी किया गया अते हजारां सिख बच्चे बजुर्ग नौजवान बीबियां दा कतलेआम किया। के पी एस गिल साबका पुलिस मुखी जिसने हजारां नौजवानों का शिकार खेडिया सिख नसलकुशी लई जुम्मेवार इन्हां दोनों 10 नवंबर 2015 नूं जिहड़ा सरबत खालसा होया सी उस विच सारियां संगतां ने इन्हां नूं दोषी करार दिता सी तनखाइया करार दिता सी और 30 नवंबर नूं पेश होण वास्ते इन्हां नूं हदायत की गई सी। अमृतसर से आजाद टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।